हेलो दोस्तों, ग्लिफ्लू स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2020 में 12 अप्रैल 2021 को जो पूछा हुआ मैथ है उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन एक तो था कि एक वृत्त है, ठीक है, इसमें बोल दिया था एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक, 6 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से इस जीवा पर एक 4 सेंटीमीटर का दूरी है, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये 6 होता तो ये 3 हो गया, इधर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जीवा की लंबाई पूछा जाता है। यहाँ से हम लोग का क्या रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5। अगर रेडियस हम लोग का 5 हो गया तो व्यास क्या होगा, 2r, 2r होता है व्यास, मतलब 10, 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन था हम लोग का, एक्स स्क्वेयर माइनस 6√3x+1=0 है, हम लोग से पूछ लिया x³+1/x³ कितना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास में किए भी हुए हैं, ठीक है, पूरा बेसिक से। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इस पर्सन को, ये जो ऊपर वाला दिया है, इसको दोनों साइड एक से डिवाइड कीजिएगा, एक से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, एक से डिवाइड तो एक्स, फिर -6√3+1/x = 0 आएगा, ठीक। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x+1/x = ये माइनस में है 6√3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6√3, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग से जो ये पूछा था इसका हम लोग किए हैं फॉर्मूला क्या होता है, जो वैल्यू दिया है, ठीक है, जो ये 6√3 का क्यू, और यहाँ पर प्लस है तो इधर जाकर -3 × जितना है कितना, 6√3 कर देंगे, ठीक। इसका क्यू करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा, ये था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये था कि a:b:c:2:3:7 दे दिया था, ठीक है, और b का वैल्यू दे दिया था 15,000, और पूछ लिया था c - a कितना होगा, ठीक है। देखिए b का यहाँ पर कितना दिया रेशियो, 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का कितना, 5,000। अब देखिए c - a पूछा था, तो c का वैल्यू कितना है 7, और -a का वैल्यू कितना है 2, तो 5, 5 आया तो 5 × 5,000 कर देंगे तो 15,000 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये था क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन हम लोग आया था, वृत्त दे दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ से ए से बी तक 12 दिया हुआ है, और बी से पी 8 दिया हुआ, और ओ से पी देखिए यहाँ पर ये 18 दिया हुआ, और हम लोग से रेडियस इसका पूछ दिया था, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, चलिए करते हैं, इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद उसको पुट कर देंगे। तो देखिए पहले होगा पी से बी तक, ठीक है, पी बी गुणे पी ए इक्वल टू होता है पी डी, सॉरी पी डी गुणे होगा पी सी, ये होता है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं, देखिए पी बी हम लोग का कितना दिया हुआ है 8, और पी ए टोटल लेंगे तो 12 8 20, वैसे ही यहाँ पर पी डी तो मेरा ये दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक 18, ठीक, लेकिन ये वाला तो मेरा आर है, ये भी आर है, तो 18 में से यह, क्योंकि हम लोग को पी डी तक लेना है, तो 18 में से आर घटाएंगे, तो 18 - r, फिर 18 + r, क्योंकि अब लेंगे पूरा पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक लेंगे तो 18 + r। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 8 × 16 = 160, इधर 18 का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा, तो ठीक है, तो 18 का स्क्वायर 324, और इधर -r², ठीक है। चलिए थोड़ा इसको छोटा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर r² इधर आएगा, और उधर 324 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 300 घटा देते हैं, 160 घटाएंगे तो इधर लिखते हैं घटाकर, तो 4 6 और 1, तो 164 आया, ठीक है। तो r² = 164, तो r आ जाएगा हम लोग का, अंडर रूट इसका कर देंगे तो कितना आएगा, 4 से 11 मतलब 2 √4
41, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इस सवाल को अच्छा, इस तरह से अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था, एक गाड़ी 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 52 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो उसकी औसत चाल, तो औसत चाल का एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या, टोटल दूरी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है, तो इस पर हम लोग करते हैं इसको। तो चलिए इसको मिटाकर हम लोग करते हैं क्वेश्चन को अपना। तो देखिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हम लोग का हो गया 100। ठीक है, अब टोटल टाइम चाहिए, तो एक बार 48 किलोमीटर दूरी कितना जा रहा था, 40, इसको काट देंगे तो कितना आया हम लोग का, 12 10, उसके बाद इसको काटिए और छोटा कीजिए तो 6/5। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 52 किलोमीटर की दूरी कितना से जा रहा था, 65 से, तो 13 चौका 52 13 5 65। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, 6/5 और 4/5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 10/5। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 5, ठीक, इसको ऊपर चला जाएगा तो इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, ये हम इस 5 को ऊपर यहाँ पर भेज दिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन आया था कि x^4 + y^4 + x²y²=117 दिया हुआ है, फिर x²+y²-xy=13 दिया हुआ है, तो x²+y² कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सम लो किए हुए हैं अलजेब्रा में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा, क्या करेंगे, x²+y²+xy, अगर आपने वीडियो देखा हुआ तो जरूर ये कर दिए होंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए 13 से भागा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 9 बार में। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x²+y² और फिर ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा इक्वल टू कितना आएगा, 22। तो पूछा था x²+y², इससे ये इसको काट देंगे तो x²+y² कितना आ गया हम लोग का, 11 आंसर। ठीक है, बहुत ईजी सम था। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज PQR में I अंतः केंद्र है और कोण QIR 160 डिग्री है, तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो का और ये आज का जो एनालिसिस हुआ उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लीफुल स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, और जितना क्वेश्चन मिलते हैं एक्स्ट्रा उसको भी ऐड कर देंगे। देखिए PQR में I अंतः केंद्र है, ठीक है, ये वाला I है हम लोग का, आई है, और देखिए QIR ये हम लोग का दिया हुआ है 107 डिग्री। ठीक, और P पूछा है, 107 डिग्री दिया हुआ ये, तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है QIR निकालने का, होता है 90 डिग्री प्लस P/2। ठीक, ये होता है, तो देखिए हम लोग का QIR दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, चलिए देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ हम लोग का कितना, 107, ये 90 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इधर P/2, तो इधर कितना बचेगा, 17 = P/2, तो P = 34 हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग PDF अपलोड कर देंगे, और क्वेश्चन आगे शिफ्ट का मिलता है तो हम लोग जितना मिलता है उतना हम लोग कराएंगे, ऑथेंटिक कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।